नमस्ते बच्चों कक्षा सात विषय हिंदी इकाई सातवा कहानी यानी कि कहानी निर्माण का आज हम तो कहानी पढ़ना और सुनना हम सबको अच्छा लगता है हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए इस पाठ में इस यही हेतु दिया गया है कि कुछ कहानी आपको पूरी करने के लिए दी गई है और कुछ कहानी आपको खुद से पूरी करनी है मनुष्य कहानी प्रिय है कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो इसलिए यह वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार एवं कल्पना शक्ति को भी बढ़ाता है प्रवृत्तियां कहानी लेखन की ओर नई दिशा देखी। अब चलिए हम पहले कहानी देखते हैं कौवा और मुर्गी। हमें कहानी पढ़ते जानिए और देखिए आपको यहाँ पर डार्क ब्लैक अक्षर से लिखा गया है और उसके नीचे अंडरलाइन भी की गई है वह यह सब खाली जगह है ठीक है कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे कौवा दाना लाता था मुर्गी भी दाना लाती थी ऐसे करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौ ने कहा मैं चावल लेने जाता हूं तो घर का दरवाजा बंद रखना नहीं तो कोई दाने ले जाएगा फिर थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया उसने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी, कोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे 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 दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है मुर्गी को दया आ गई उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए देखो इस चित्र में पास में दिखाई दे रहा है अब आगे देखते हैं अब वहां सोचने लगी कौआ दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी मुर्गी बहुत घबरा गई जब कौआ दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई कौए ने आवाज लगाई मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है डर के मारे मुर्गी चुप रही एक आवाज भी न निकली उस समय एक बिली घर में आई बिली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे मुझे दाना पीसना है कौए ने कहा मुर्गी तो घर में नहीं है तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले बिल्ली दाना ले गई और पीसने बैठी बिल्ली ने दाना चक्की में डाला मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया बिली पीसने लगी पर आटा ना निकला ये देखकर बिली बहुत दुखी हुई बिल्ली ने सारी बात कौवे को, को बताई कौवा भी बहुत चकित हुआ कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा ढूंढते ढूंढते उसने चकी के पीछे देखा वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे हुए बैठी थी उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था उसे देख कौआ हंसा, उसे देख भी बहुत हसी दोनों हंसे, तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आ गई वह हंसी और उसके मुंह से दार, सारे दाने निकल गए तो चलो बच्चों, यहां आपने कहानी देखी देखी ना और आप सब लोगों को अच्छी भी लगी तो अब हम यहाँ पर हमने देखा कि बीच बीच में यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए थे उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति की हुई है आपको यह जो कहानी है वह होमवर्क में एक बार अच्छी तरह से पढ़नी है ठीक है नमस्ते बच्चों